दोस्तों ये है टॉम जोन्स का पार्ट सेकंड, जिसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने बात की थी कि जब टॉम को पता चला कि अलवर्दी की हालत में सुधार है तो वो शराब पीने लगा, नाचने गाने लगा। तो बिलफिल ने उसे कहा कि ये क्या जाहिलपना कर रहे हो। तो टॉम के लिए तो ये खुशी का मोमेंट था, मतलब अब अलवर्दी की भी हालत में सुधार है और अब वो सोफिया को भी अपनी फीलिंग्स बता सकता था। लेकिन सोफिया की एक आंट मिसेस वेस्टन सोफिया के घर आई और उसने अपने भाई मिस्टर वेस्टन को एक सुझाव दिया, मतलब सोफिया के फादर को एक सुझाव दिया कि सोफिया की शादी बिलफिल से करवा देनी चाहिए। तो सोफिया के फादर मिस्टर वेस्टन अपनी बहन के इस सुझाव पर फटाफट राजी हो गए। लेकिन सोफिया बिलफिल से शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। उसने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन स्क्वायर वेस्टर्न ने, यानी कि उसके फादर ने, उस पर दबाव बनाया। अब दोस्तों ये बिलफिल हमेशा टॉम को फंसाने की साजिश करता है। इसने अलवर्दी को जाकर कहा कि आपका टॉम तो घर में शराब पी करके तमाशा करता है, मतलब अलवर्दी के सामने उसने टॉम की जमकर बुराई की। तो अलवर्दी ने गुस्से में आकर के क्या किया, टॉम को घर से भगा दिया। टॉम सोफिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। तो अब टॉम भटकता भटकता एक कंट्री साइड पहुंच गया। वहां इसे एक पार्टरिज नाम का बंदा मिल गया जो इसका एक लॉयल सर्वेंट बन गया। अब टॉम ने एक मिसेस वाटर्स करके महिला थी, उनकी भी मदद की थी, और टॉम का इन मिसेस वाटर्स के साथ में भी बड़ा मिलजुल बढ़ गया। वहां दूसरी तरफ सोफिया अपने फादर के घर से भाग आई थी, क्योंकि उसके फादर उसकी शादी जबरदस्ती बिलफिल से करवा देते, इसलिए वो भी इसी जगह जहां टॉम रह रहा था यहीं पे ही भाग आई थी। लेकिन यहां आकर के इसे लगा कि टॉम और मिसेस वाटर्स के बीच में आपस में कुछ चल रहा है, तो सोफिया ने अपनी कोई चीज टॉम के बिस्तर पर रख दी ताकि टॉम को यह अंदाजा हो जाए कि सोफिया यहीं है। अब दोस्तों ये कहानी जाती है लंदन में। टॉम अपने दोस्त पार्टरिज के साथ में लंदन पहुंचता है। वहां ये एक महिला मिसेस मिलर और उनकी बेटियों के साथ में रहता है। वहां एक और आदमी होता है नाइटिंगेल, ये भी वहां रहता है जहां टॉम रहता है मिसेस मिलर के घर में। तो टॉम को मिसेस मिलर की बेटी नैन्सी से प्रेम हो जाता है, और फिर बाद में जब टॉम को पता चलता है कि नैन्सी भी प्रेग्नेंट हो गई है तो वो नाइटिंगेल को कन्विंस कर लेता है कि वो नैन्सी से शादी कर ले। इसके बाद टॉम एक और महिला लेडी बेलेस्टन के संपर्क में आता है जिसके पास फिलहाल सोफिया रह रही है। तो इस लेडी बेलेस्टन के संपर्क में टॉम आ जाता है और इस लेडी बेलेस्टन के साथ भी टॉम का अफेयर चालू हो जाता है। मतलब खतरनाक आदमी है यार ये टॉम, इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर। तो इस वजह से सोफिया और टॉम के बीच में झगड़ा भी चलता है। लेकिन बाद में जब ये झगड़ा सुलझ जाता है तो टॉम लेडी बेलेस्टन से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है और वापस सोफिया के पास आ जाता है। लेकिन लेडी बेलेस्टन कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है। जितनी भी लड़कियों से या महिलाओं से पहले टॉम का पाला पड़ा था, ये लेडी बेलेस्टन उन सबसे अलग थी, मतलब बहुत ही डिटरमाइंडेड महिला थी। ये टॉम और सोफिया को एक नहीं होने देगी। तो उसने एक बंदे को कहा कि जा करके सोफिया का रेप कर दे। कुछ समय बाद लंदन में स्क्वायर वेस्टन, मिसेस वेस्टन, बिलफिल और अलवर्दे वगैरह सब के सब आ गए। और जब ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए तो स्क्वायर वेस्टन जो हैं इन्होंने अपनी बेटी सोफिया को एक रूम में लॉक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मिसेस वाटर्स का हस्बैंड फिट्स पैट्रिक भी आ गया। ये फिट्स पैट्रिक मिसेस वाटर्स का हस्बैंड है, तो ये यहाँ पे आ गया टॉम को मारने के लिए, क्योंकि ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी मिसेस वाटर्स टॉम के साथ कुछ अफेयर था। तो इसने टॉम को अपने साथ दो दो हाथ करने के लिए ललकारा। अब लड़ाई में टॉम ने खुद को डिफेंड करते हुए तलवार से इस फिट्स पैट्रिक को घायल कर दिया, जिससे सबने सोचा कि ये मर गया और टॉम जेल चला गया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये मिसेस वाटर्स जेनी जॉन्स ही है। जेनी जॉन्स कौन, यानी कि टॉम की माँ। और मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि ये जेनी जॉन्स कौन है।
ठीक है। तो ये जेनी जोन्स यानी कि मिसेस वाटर्स ये अलवर्दी के पास आई और उसको बताया कि इसका हस्बैंड फिट्ज़पैट्रिक अभी मरा नहीं है, यानी कि टॉम ने जो फिट्ज़पैट्रिक को घायल किया था अपनी तलवार से डिफेंड करते हुए, तो वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। और इसी के साथ साथ अलवर्दी को ये भी पता चलता है कि ये जो बेलफिल है ये टॉम के खिलाफ साजिश कर रहा था। तो अलवर्दी ने फैसला किया कि वो आज की बात बेलफिल से कभी बात नहीं करेगा और टॉम को वापस जेल से बाहर निकाला गया। इसी के साथ साथ एक आखिरी और सबसे बड़ी सच्चाई पता चली कि टॉम की माँ ये जेनी जॉन्स नहीं बल्कि ब्रिजिट थी, अलवर्दी की बहन, यानी कि अब टॉम असलियत में अलवर्दी का भांजा है, यानी कि अब अलवर्दी की सारी संपत्ति का असल मालिक टॉम है, बिलफिल नहीं, ठीक है। और जब अब सारी संपत्ति का असल मालिक टॉम है तो स्क्वायर वेस्टर्न भी टॉम से अपनी बेटी सोफिया की शादी करवाने के लिए मान गए। और यहीं पे ही आज की हमारी कहानी टॉम जॉन्स खत्म होती है दोस्तों।